हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब होता है उत्प्लावन। हम ये जो पार्ट है यानी फ्लोटेशन पार्ट है वो ग्रेविटेशन के ही अंतर्गत आता है। हमने इसे मतलब मिस कर दिया था, तो इसलिए हम आज उसको लेकर आए हैं, जिससे इससे कोई भी डाउट आपको ना हो। इससे अगर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप आसानी से कर पाएँ। तो उस फ्लोटेशन को जानने से पहले हम उसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। तो देखिए, हमने ओवरव्यू यानी संक्षिप्त विवरण में, मतलब संक्षिप्त विवरण का मतलब हमने एक सार दिया है कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखिए, थ्रस्ट पढ़ना है। थ्रस्ट क्या होता है? एक टाइप का फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। प्रेशर के बारे में पढ़ना है, जो दाब होता है, प्रेशर क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट की को डिफाइन कैसे करते हैं ये जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रेशर इन फ्लूड, फ्लूड का मतलब तरल पदार्थ में दाब कैसे लगता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बॉयंसी, यानी बॉयंसी क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी आर्किमिडीज के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसमें क्या कहा गया है, उसका यूज़ क्या है हमारे डेली लाइफ में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर फ्लोटेशन जो हमने यहाँ पे दिया है, फ्लोटेशन यानी फ्लोटेशन उत्प्लावन किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। और फिर डेंसिटी यानी घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसे कैसे फाइंड करते हैं, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं बारी बारी से सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्रस्ट के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद प्रेशर के बारे में समझेंगे। तो देखिए, थ्रस्ट क्या होता है? देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर लिखा है द फोर्स एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट पर पेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। यानी ये एक टाइप का फोर्स है, यानी ये एक प्रकार का बल है जो किसी भी वस्तु के सतह पे लंबवत लगता है, और इसका जो मात्रक है, एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, बल का ही होता है। जो बल का मात्रक होगा वही इसका होगा। तो यानी इसका बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसलिए थ्रस्ट का भी मात्रक यानी थ्रस्ट का भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर का आप लोग हमेशा नाम लेते हैं अपने डेली लाइफ में, हमेशा आप लोग प्रेशर से अवगत होते रहते हैं। प्रेशर का मतलब दाब, यानी कभी कभी आप लोग डेली लाइफ में यूज़ ये करते हैं कि अगर आप पाइप से पानी को क्या करते हैं, अपने बगीचे को सींचते हैं, तो क्या करते हैं, पाइप के नोज़ल को जब आप प्रेस करते हैं अपने हाथों से, तो पानी क्या बहुत तेज़ी से निकलता है। तो आप कहते हैं कि देखिए, इसका पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसी प्रेशर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो प्रेशर क्या होता है वो जान लेते हैं। प्रेशर यानी हमने यहाँ पे ये बताया दोस्तों कि प्रेशर द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। यानी यह एक टाइप का, यानी प्रेशर क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, जिसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, वही क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। यानी एक तरह से आप और डिफाइन कर सकते हैं, जो थ्रस्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है, वही आपका क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दाब क्या होता है, किसी भी वस्तु पे लंबवत लगने वाले बल तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग दाब कह सकते हैं। हिंदी में इसको दाब कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा है, P इक्वल टू एफ बाई ए। एफ का मतलब नॉर्मली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी लंबवत बल जो उस वस्तु पे लग रहा है, और एरिया का मतलब उसका क्षेत्रफल, यानी उस वस्तु का क्षेत्रफल कितना है उस पे। अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर किस टाइप की का राशि है, यानी राशि का मतलब किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग बात करते हैं प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। स्केलर का मतलब ये
अदिश राशि है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, यानी इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है दोस्तों। एसआई यूनिट की बात करें प्रेशर की, तो एसआई यूनिट प्रेशर की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। पास्कल का मतलब, पास्कल प्रेशर का यूनिट कब पड़ा, जब ब्लेज पास्कल ने प्रेशर के बारे में हम लोगों को अवगत कराया था, तब हम लोग उन्हीं के नाम पे प्रेशर का यूनिट पास्कल कहते हैं, यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे नोट भी कर दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्तों, 1 पास्कल की यूनिट है। अगर हमें 1 पास्कल को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, 1 पास्कल वह प्रेशर होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स परपेंडिकुलर उसके 1 मीटर स्क्वायर की एरिया पे लगता है, तो वो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 1 पास्कल होगा। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में समझा जाए, इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग नॉर्मली टू द यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द प्रेशर इज 1 पास्कल। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों डेली लाइफ में प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है, कैसे हम लोग प्रेशर के साथ काम करते हैं। जैसे हम लोग सब्जी भी काटते हैं तो उसमें भी प्रेशर लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप चाकू से सब्जी काट रहे हैं, तो जब चाकू का जो धार अगर पतला है तो सब्जी हम लोग आसानी से काट सकते हैं। अगर उसी चाकू का धार क्या होता है, बहुत मोटा हो, तो आपको काटने में प्रेशर और दाब फोर्स और लगाना होता है। तो दाब जब उस पर ज़्यादा लगाएंगे तब जाके वो कटता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेके आते हैं और उसको अच्छे से समझाते हैं। देखिए आगे, देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डेली लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, यानी कुछ ऑब्जर्वेशन, यानी जो हमारे डेली लाइफ में अक्सर घटित होती हैं, जो प्रेशर के बेसिस पे हैं, प्रेशर यानी दाब के आधार पे हम लोग जो दैनिक कार्य करते हैं उसमें कुछ ऐसी कार्य हैं जो हम यहाँ पे मेंशन किए हैं, यानी यहाँ पे हमने लिखा है, वो प्रेशर के कारण ही होता है। तो देखिए कैसे होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स हमने लेके आए हैं। तो देखिए पॉइंट्स क्या क्या हैं, पहले हमने लिखा है अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ, यानी शार्प नाइफ का मतलब जो पतली धार वाले जो चाकू होते हैं, किसी भी वस्तु को या चाहे सब्जी हो या कोई फल हो, उसको बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए जो मोटी धार वाले ब्लंट नाइफ का मतलब होते हैं जो जिनकी धार जो है चाकू की वो ख़राब हो गई हो, यानी मोटी हो गई हो, तो वो उसको काटने में, उससे अगर सब्जी या कोई फल काटते हैं या कोई और वस्तु काटते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना होता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसको मैं आज समझाता हूँ। जो पतली धार वाले चाकू होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, जब पतली धार वाले चाकू होते हैं तो उसकी एरिया बहुत कम होती है। तो अगर हम लोग फोर्स के फॉर्मूले पर जाया जाए, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, P = F/A होता है। तो यानी अगर फोर्स इसमें क्या होता है, जितना फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट पे उतना प्रेशर जनरेट होगा। अगर प्रेशर जितना लगाएंगे, यानी वो 1/A है, जितना कम एरिया होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो यानी यहाँ पे जो चाकू उसका धार पतली है, तो उस धार जब पतली है तो उसकी एरिया बहुत कम है। एरिया कम है दोस्तों, तो वहाँ पे प्रेशर अधिक लग रहा है, प्रेशर अधिक लग रहा है, तो इसलिए हम आसानी से किसी भी सब्जी वस्तु या कोई फल हो उसे हम आसानी से काट सकते हैं। लेकिन बात करें अगर जो ब्लंट नाइफ होता है, ब्लंट नाइफ का मतलब जिसमें धार नहीं होती है, धार का मतलब धार मोटी हो गई रहती है, तो वहाँ पे क्या होती है, एरिया बढ़ जाती है, उसकी एरिया शार्प नाइफ के कंपेयर में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर कम लगता है। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, तो प्रेशर कम लगता है तो हमें बहुत अधिक प्रेशर अपनी ओर से, बहुत अधिक बल लगाना होता है उससे काटने में। तो ये जो ब्लंट नाइफ होता है, यानी जो बिना धार वाले चाकू होते हैं, या कहा जाए कि जिसमें धार मुड़ गई रहती है, उनसे अगर हम किसी वस्तु को काटते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादा समय का मतलब कि वो कठिनाई से काटना होता है, उसे हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताया है, नेल्स पिंस एंड ड्राइंग पिंस हैव रिलेटिवली बिगर एट टॉप, हाईली पॉइंटेड एंड शार्प इंड एट टिप्स। अब कह रहा है नेल्स का मतलब वो नाखून मत समझिएगा, नेल्स का मतलब जो कील आप देखते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में भोजपुरी में लोग कहते हैं कटिया। तो जैसे अगर हम लोग देखा जाए ऐसे बना रहता है दोस्तों, ऐसे ये आपका ड्राइंग पिंस के हो जाएंगे, ऐसे होते हैं ऐसे। इसका जो टॉप होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है यानी बिगर होता है, और जो इसकी जो टिप होती है जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बहुत ही नुकीला होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम कैसे इसे आसानी से कहीं भी घुसा सकते हैं, तो उसमें घुसाने में यानी दीवार में ठोकते हैं या किसी चीज़ को टांग, चाहे आपका फ़ोटो हो या कोई भी घड़ी अगर आपको टांगनी रहती है, तो हम जब क्या करते हैं इसको नेल को यानी कटिया को हम लगाते हैं हथौड़ी से, उसे उस पर फोर्स लगाते हैं तो आसानी से घुस सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं, फिगर पे ध्यान दीजिएगा, इस पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो जब फोर्स लगाते हैं दोस्तों तो ये जो टिप की जो एरिया बहुत कम होती है, जब टिप की एरिया बहुत कम होती है दोस्तों तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा जनरेट होता है, यानी प्रेशर यानी दाब यहाँ पे अत्यधिक लगता है, जिसकी वजह से वो दीवार में आसानी से घुस जाता है। अगर मान लीजिए इसके जगह हम लोग मोटा अगर ले लेते तो प्रेशर यहाँ पे कम लगता और वो घुसता नहीं। आपने देखा होगा कभी कभी दोस्तों कि ज़्यादा हम लोग उसे कटिया को ठोक देते तो उसके धार अगर मुड़ जाती है यानी टिप मुड़ जाता है, तो उसे किसी दीवार में ठोकने पे जल्दी आसानी से नहीं जाता है ना। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आपका घर बना होगा, आप लोग आपके आसपास पड़ोस में आपके रिश्तेदारों में हर जगह आप लोग पक्के मकान देखे होंगे। तो जब आप मकान देखे होंगे तो मकान जब बनता होगा तो उसकी नींव बनती है सबसे पहले। तो नींव जो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग्स केप्ट ब्रॉड एंड वाइड। ब्रॉड एंड वाइड करने का मतलब क्या है, यानी नींव को चौड़ा और चौड़ा, ब्रॉड का मतलब चौड़ा करना, वाइड का मतलब बढ़ाना। तो ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि अगर मान लीजिए हम कोई भी घर बनाते तो इसकी नींव क्या होती, थोड़ी चौड़ी रहती है। तो जब हम लोग एक मंजिला दो मंजिला तीन मंजिला उसी पे बनाते तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे आता है, नींव पे ही तो आता है। इसलिए हम लोग दीवार के मुकाबले नींव को थोड़ा चौड़ा बनाते हैं, इसलिए क्योंकि उस नींव का यानी जो फाउंडेशन होता है उसका एरिया ज़्यादा होगा तो उस पर प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि बल कम लगे यानी बल लगे तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए दो मंजिला तीन मंजिला जितना भी ले जाते हैं वो क्या होता है, आसानी से बहुत सालों तक हमारा घर टिका रहता है। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं दोस्तों, तो उसमें भी यही कारण होता है कि उसके जो फाउंडेशन होते हैं बहुत ही ब्रॉड और वाइड बने रहते हैं, जिसकी वजह से वो 20-25-30 यानी बहुत सारे एक कहा जाए 500 मंजिले के मकान हम लोग देखे होंगे, तो इसमें यही कारण होता है कि उसके जो फाउंडेशन होता है बहुत ब्रॉड एंड वाइड बनाया जाता है, जिससे वो अत्यधिक प्रेशर को भी मेंटेन आसानी से झेल सके। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग अक्सर अपना स्कूल बैग लेके जाते होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके स्कूल बैग की जो स्ट्रिप होती है जो कंधे पर आप टांगते हैं वो चौड़ी रहती है। ये क्यों रहता है चौड़ा, तो अगर मान लीजिए उसके जगह आप क्या तो उस चौड़े स्ट्रिप को काट के एक पतला सा क्या होता है रस्सी बांध दे और उसको टांग के ले जाए, तो अगर आप ऐसा करिएगा नहीं तो आपके मम्मी पापा आपको बहुत डांटेंगे, पीट भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा, बस ऑब्जर्व करिएगा आप कि अगर आप उसके जगह स्ट्रिप के जगह अगर रस्सी बांध के ले जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपको यहाँ पे गड़न महसूस होगी यानी दर्द महसूस होगा, क्योंकि आपके क्या होता है बैग का वजन ज़्यादा होता है, तो इसलिए और वो जो रस्सी का एरिया कम होता है जिसकी वजह से आपके अंदर हमेशा लगता है धंसते हुए जा रहा है और आपको दर्द महसूस होगा। ठीक है, इसलिए बैग का जो स्ट्रिप होता है यानी बस्ते का जो जिसमें हम लोग टांगते हैं टंगना जिसे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, वो क्या होता है चौड़ा होता है, जो हमारा वजन होता है बैग का वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस पर जो प्रेशर लगता है हमारे कंधे पे जो प्रेशर लगता है वो क्या होता है स्ट्रिप की चौड़े होने से कम हो जाता है, इसलिए हमें भार उतना अत्यधिक महसूस नहीं होता। अगर उसी की जगह हम पतली अगर रस्सी लगा दें तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा।
क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, अ कैमल वॉक्स इजली ऑन सैंडिंग सरफेस देन अ मैन। यानी कहा गया दोस्तों कि मनुष्य के तुलना में जो कैमल, जो शिप ऑफ डिजायर, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, यानी ऊंट आसानी से रेगिस्तान में चलता है, दौड़ सकता है। ऐसा क्यों? इसमें क्या होता है, जो हमारा यानी मनुष्य का जो पैर की जो एरिया होती है, ऊंट की पैर की एरिया से कम होती है, और पैर जो ऊंट का पैर होता है उसका एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए उसके ऊपर क्या होता है, जो बल लगता है सैंड पे, वो प्रेशर क्या होता है, कम लगता है, जिसकी वजह से वो आसानी से चल पाता है। और हमारा जो क्या था, पैर उसके मुकाबले में छोटा होता है, यानी तो उस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो हम बालू में क्या होता है, नीचे धंसते जाएंगे, इसलिए हमें उसके तुलना में चलने में कठिनाई होती है, उससे बहुत कम गति में हम लोग वहाँ पर चलेंगे। आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तरल पदार्थों में दाब कैसे होता है, यानी प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक्स के बारे में, यानी प्रेशर इन फ्लूइड्स। यानी फ्लूइड्स का मतलब यानी क्या होता है, उसमें प्रेशर क्या होता है, ये सभी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्लूइड्स जानते हैं, फ्लूइड क्या होता है। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो ईजली, यानी कोई भी सब्सटेंस अगर ईजली फ्लो कर रहा है तो वो फ्लूइड है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वाटर हो, चाहे गैस हो, चाहे एयर हो, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, फ्लूइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने दूसरे पॉइंट में लिखा है, ऑल लिक्विड्स लाइक वाटर, ऑयल एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। गैसेस में एक टर्म्स और भूल गए, एयर को भी अगर हम लोग ले लिया जाए, एयर भी क्या है, एक टाइप का फ्लूइड है जो ईजली मूव करता है, ठीक है। तो यानी ऐसी वस्तु जो इजीली मूव करे, यानी फ्लो करे, फ्लो का मतलब बहे, आसानी से बहे, वो क्या है, फ्लूइड है, तरल जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक्स के बारे में, यानी यहाँ पे दिया है अ फ्लूइड एट रेस्ट एग्जर्ट प्रेशर, यानी कोई भी फ्लूइड अगर रेस्ट में भी हो तो वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है। तो उसको समझने के लिए हमने एक फिगर बनाया है, देखिए एक कंटेनर बनाया है, कंटेनर में फ्लूइड भरा हूँ, चाहे वाटर आप सपोज कर लीजिए, चाहे ऑयल सपोज कर लीजिए, चाहे एयर सपोज कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे वाटर सपोज किया है, उसमें हमने क्या किया, ये रेस्ट पोजिशन में है, उसमें हमने एक सॉलिड ब्लॉक डाल दिया, ब्लॉक का मतलब कोई एक ठोस वस्तु डाल दिया, ठीक है। तो इस ठोस वस्तु पे भी क्या आ रहा है, इस फ्लूइड के कारण इसके सरफेस पे क्या प्रेशर लग रहा है, ठीक। तो वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं, यानी यहाँ पे हमने लिखा है एवरी फ्लूइड एग्जर्ट प्रेशर, यानी कोई भी फ्लूइड हो, प्रत्येक फ्लूइड सब क्या है, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। इफ अ फ्लूइड इनक्लोज इन अ कंटेनर देन द फ्लूइड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। अगर कोई भी फ्लूइड अगर हम कंटेनर में रखें, चाहे ग्लास में रखें, चाहे प्लास्टिक के बॉटल्स कंटेनर्स में रखें, तो फ्लूइड क्या होता है, उस कंटेनर के बॉटम और वॉल पे क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। सपोज अगर मान लीजिए कि जो कंटेनर है कहीं से थोड़ा सा छेद हो जाए, उसमें पानी पूरा भरा है, तो बहुत तेजी से क्या होता है, पानी निकलता है, एक धार बना के निकलता है। इससे पता चलता है, हम कहते हैं देखिए इसमें पानी बहुत तेजी प्रेशर से निकल रहा है, क्योंकि इससे ये पता चलता है फ्लूइड भी क्या कर रहा है, प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा फ्लूइड प्रेशर के बारे में। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस पॉइंट पे अगर हमें उसे डिफाइन करना होता है, यानी फ्लूइड प्रेशर एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट। यहाँ पे जो थ्रस्ट होगा वो फ्लूइड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको कहा जाएगा, यानी द फ्लो द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। यानी जिस पॉइंट पे प्रेशर हमें पता करना है, डिफाइन करना है, उस पॉइंट पे उसकी पर यूनिट एरिया पे जो थ्रस्ट लगता है वह क्या कहलाता है, फ्लूइड प्रेशर कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि द थ्रस्ट विच इज ड्यू टू फ्लूइड एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। यानी किसी भी पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर अगर पता करना है, तो
जो थ्रस्ट लगता है फ्लूट के कारण जो थ्रस्ट लगता है उस पॉइंट के पर यूनिट एरिया पे लगना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। यानी इसमें हमने क्या बताया कि रेस्ट पोजीशन में भी फ्लूट क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, यानी प्रेशर लगाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर के बारे में, यानी प्रेशर के बारे में पास्कल ने क्या बताया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए पास्कल लॉ क्या है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे पास्कल के द्वारा दिया गया जो दाब का नियम है उसके बारे में, यानी उन्होंने क्या बताया था वो हम लोग जान लेते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, वेन एवर अ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ फ्लूड कॉन्टेन इन अ वेसल एट अ वन प्लेस, यानी कहने का मतलब कि जब कभी कोई बाह्य दाब, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी दाब, हम लोग बाहरी दाब किसी कंटेनर पे, यानी किसी कंटेनर में जब लिक्विड भरा उस पर अगर हम लोग लगाते हैं, एक जगह लगाते हैं, तो द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। जो प्रेशर इस पर लगता है वो प्रेशर पूरे वेसल में जो फ्लूड है उसके पूरे डायरेक्शन में हर तरफ लगता है। ठीक है, टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूड, यानी सभी पोर्शन पे, यानी फ्लूड के सभी पोर्शन पे और वॉल ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर के वॉल पे भी लगता है। कंटेनर के वॉल पे कैसे लगेगा, फ्लूड के वजह से, क्योंकि जब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं तो फ्लूड पे प्रेशर लग रहा है, तो फ्लूड क्या रहा है पूरे वॉल पे क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। अगर वो वेसल कहीं कहीं से अगर खुला है तो वहाँ से क्या होगा, फ्लूड क्या होता है बहुत तेजी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो पास्कल ने यही बताया था कि जब कभी हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी कंटेनर पे या किसी कंटेनर फ्लूड पे जो कंटेनर में रहता है, तो क्या होता है कि जो प्रेशर कंटेनर पे लगता है वो अनडिमिनिश, यानी पूरे डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, फ्लूड के पूरे डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से वो वॉल, यानी कंटेनर के वॉल पे भी वो प्रेशर लगता है। यही पास्कल ने बताया था दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जो एक्सप्रेशन फ्लूड प्रेशर के लिए किसी भी पॉइंट के लिए फाइंड किया जाता है वो कैसे फाइंड करते हैं, यानी एक्सप्रेशन फॉर फ्लूड प्रेशर एट अ पॉइंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर फ्लूड प्रेशर एट अ पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे फ्लूड प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है वो जानते हैं। तो हमने लिखा है दोस्तों, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लूड प्रेशर एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन, यानी किसी भी फ्लूड का जो फ्लूड प्रेशर है किस पे डिपेंड करता है। तो हमने एक वेसल बनाया है, वेसल में हमने लिक्विड भरा है यानी फ्लूड भरा है, और हमें मान लीजिए ये हाइट है यहाँ पे हमें बताना, और इसकी एरिया ये है। ठीक है, ए मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू एरिया है। तो अब ये किस पे डिपेंड करता है वो जानते हैं। हाइट h, यानी हाइट ऑफ द फ्लूड अबव द पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे हमें फ्लूड प्रेशर निकालना है उसके अबव, यानी उसकी हाइट क्या है वो बताना है, उस पर डिपेंड करेगा। डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, डेंसिटी फ्लूड की क्या उस पर डिपेंड करेगा, यानी जिसे हम लोग घनत्व कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण पर भी क्या होगा, फ्लूड प्रेशर निर्भर करेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे जो हाइट है, हाइट एबव द पॉइंट, अगर फ्लूड प्रेशर एबव द पॉइंट पूछे तो एबव द पॉइंट हो जाएगा। अगर फ्लूड प्रेशर पूछे तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे बिलो द पॉइंट अगर हाइट आपको मेजर करनी होगी बॉटम से। ठीक है, बॉटम ऑफ द वेसल से। तो देखिए, हमने डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइट को एच से रिप्रेजेंट किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच रो जी। ठीक है, एच इंटू रो इंटू जी, यानी ये हमारा क्या होगा, फ्लूड प्रेशर निकालने का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी यहाँ से हम लोग फ्लूड प्रेशर निकाल सकते हैं, फ्लूड प्रेशर क्या होगा, एच रो जी। यानी हमने यहाँ पे अब क्या लिखा है, therefore from the equation we can easily conclude that, यानी इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं, the pressure at all points in the horizontal plane, यानी जो प्रेशर हॉरिजेंटल प्लेन
पे लग रहा है, यानी इस पे जब हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, वही प्रेशर उतना ही प्रेशर फ्लूड में भी होगा। ये जितना प्रेशर हम लोग लगाएंगे उतना ही प्रेशर फ्लूड में भी होगा, इस प्रेशर से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन था फ्लूड प्रेशर का। तो दोस्तों आज हमने जितना भी टॉपिक्स बताया बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसे अच्छे से तैयार करेंगे। अब मैं आपके साथ अगले वीडियो में मिलूंगा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके इसी चैप्टर से रिलेटेड। तब तक आप लोग जितना आज हमने बताया उसे अच्छे से तैयार कर लें, इससे अगर कोई डाउट हो तो उसे अच्छे से वीडियो को देखें समझें, फिर भी अगर ना समझ में आए तो हम लोग से पूछ सकते हैं आप। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।